हेलो हेलो आयुष बेटा, चलो चलो, ओके आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, सो लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। चलो केटीजी, सो आज का ये लास्ट चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। सो इसको स्टार्ट करने से पहले ऑर्डर थोड़ा सा मैंने जानबूझकर रिवर्स किया। पहले मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, देयर इज अ रीजन, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, देन अभी बता दूंगा बेटा इसके बाद, ठीक है। देन वी मूव टू केटीजी, तो एक रीजन है इसके पीछे, राइट। अगर मैं चाहता तो आपको गैस पहले पढ़ा के देन उसका एप्लीकेशन पढ़ाता, बट इस बार मैंने जानबूझ के रिवर्स किया, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। टू कंडीशन व्हेन रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस लॉ, ये बताओ। मैं बहुत बार पूछ रहा था आप लोगों से, हाई टेंपरेचर लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई टेंपरेचर, लो टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फर्स्ट कंडीशन इज योर लो प्रेशर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसमें भी पूछा था, याद है? यस सर, लो प्रेशर एंड हाई। सर ये एक ही पॉइंट तो है, आप दो अलग अलग पॉइंट्स में लिख रहे हो। नहीं बेटा, ये दो कंडीशन है, दिस इज योर कंडीशन वन, राइट। ये है आपका कंडीशन वन, ये आपका कंडीशन टू। क्या ये बात मैंने डिस्कस भी कर ली है क्लास में, बहुत बार आप लोगों से पूछा भी था। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अब सुनो, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल? नो इफेक्ट सर, आरएमएस खत्म। किसी को याद है आरएमएस होता क्या है? रूट मीन स्क्वायर। वेरी गुड, एक बच्चे को याद है। रूट थ्री आर टी अपॉन में एक होता है कैपिटल एम और एक रूट थ्री के टी बाई स्मॉल एम होता है, तो वो दो दो अलग अलग क्यों है और उनका यूज कहाँ पर, ये नहीं समझ आता। अच्छा अभी बता देता हूँ बेटा, वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मैंने बताया था क्या? यस सर, यस सर, रूट ऑफ टेम्परेचर। हाँ रूट ऑफ, वही ठीक है, मैं टेम्परेचर टर्म्स में लिख दे रहा हूँ। इसका बेटा इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अफेक्टिंग एनीथिंग? नो सर। क्या लगता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 50,000 मॉलिक्यूल है, इसको क्या करना है, क्लियर। तो क्या आरएमएस में बेटा टेम्परेचर का ही सिर्फ फर्क पड़ रहा होगा और किसी चीज का नहीं, सोच के बताओ। यस सर। चलो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पी एंड वन अपॉन वी। वो बता दो, वो दो फॉर्मूले अलग अलग है तो उन्हें कहाँ कहाँ यूज करेंगे? अभी बता देता हूँ, अभी हम और डिराइव करेंगे ना तो आपको आगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक बार वीआरएमएस वाला टॉपिक में शुरू करवा दूं बस, ठीक। चलो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर, किसके किसके बीच में बेटा? एक बोल रहा है प्रेशर के बीच में बनाओ, दूसरा दूसरा किसके वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, देखो ये देखो, अब सुनो, दिस इज पी, दिस इज यही है, अब कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन सीधा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर 1/v होगा ना? हाँ बेटा, 1/v, आपने v लिखा है। हाँ तो उसका क्या मतलब है, एक बढ़ेगा एक घटेगा? सर स्ट्रेट लाइन होगा ना, ठीक है, यही मतलब है। तो वन अपॉन वॉल्यूम अगर मैं लिख दूंगा बेटा, ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, मैंने आप लोगों को बताया था ना। यस सर, यस सर, ये देखो दिख रहा है? हाँ सर, आइसोथर्मल केस का तो पर नहीं होगा ना, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखने बोला था मैंने। हाँ सर, सर तो आइसोथर्मल केस का ग्राफ तो ऐसा नहीं होता, पीवी का वो कर्व होता है। फर्स्ट टर्म के चैप्टर कब रिवाइज कराओगे, कल? फर्स्ट टर्म के कल होंगे बेटा, आज तो नहीं है। बट सर यहाँ पे जो ग्राफ बोला है वो पीवी का बोला है, वो तो पी और वी ब्रोकर का बोला है, तो ग्राफ भी तो चेंज हो जाएगा। यस सर, तुम लोगों को यही दिक्कत आ रही है तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, अब ठीक है सर। yes. ग्राफ भी तो चेंज होना चाहिए। तो ग्राफ, ग्राफ को मैं छेड़छाड़ थोड़ी ना जो कर रहा हूँ बेटा, फॉर अ परफेक्ट गेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिख तो दिया इन्होंने। पीवी डायग्राम का ग्राफ कैसे था बताओ सर, क्या बोला आपने? PV डायग्राम फॉर अ कांस्टेंट आइसोथर्मल क्या था? स्ट्रेट लाइन, एक डिक्रीजिंग कर्व था नीचे की तरफ। सर स्ट्रेट लाइन था और डिक्रीजिंग कर्व था, क्या ऐसा कुछ था? एक सेकंड, बन नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं? यस सर,
नहीं ऐसा भी नहीं कैसे? था, या ऐसा था, तुम लोग बताओ, ऐसा था। सर ये तो कर्व था ना, सर जो आपने अभी बनाया था ना ऐसे बनेगा, पी और ऐसे आपने फर्स्ट वाला बनाया था ना वो हाँ था सर, ऐसे ऐसे था। करके बनेगा, आइसोथर्मल के कर्व सर, कोई स्ट्रेट लाइन भी तो था अब ना। सुनो इसका क्या मतलब है। अगर मैं वॉल्यूम को बेटा दुगना बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? अगर मान लो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर मैं प्रेशर दुगना कर रहा हूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? हाफ हाफ हो हाँ जाएगा, या पी इज इक्वल टू वी बाई सॉरी 1/2 V हो जाएगा, सोच के देखो। सर प्रेशर दुगना कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगा ना बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ वो तो, वो मैं बोल रहा हूँ बेटा, तो प्रेशर अगर दुगना यहाँ पे आ रहा है तो वॉल्यूम कहाँ पे आएगा आप बताओ? यहाँ पे सर हाफ पे, हाँ यहाँ सर 2 पे आ रहा है प्रेशर तो वॉल्यूम 1 पर आएगा। हाँ, तो बस ये बात क्लियर है क्या आप लोगों? जस्ट एक सेकेंड। यस सर मतलब कर्व को ही मतलब प्लॉट करके देख सकते हैं तब स्ट्रेट लाइन ही हाँ आएगा। उसी में पता चल जाएगा आपको। एक सेकेंड एक सेकेंड। तुम्हारे मतलब पता ही चलो, सो विजिबल है ना बेटा कैमरा ऑडियो दोनों? यस इस चैप्टर में कुछ डिलीट है क्या? नहीं, सर पानी भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। अच्छा हाँ, पानी तो मैं पीता हूँ, पानी लेने नहीं सर, गया चाय था। की बात चल रही है आपकी। नहीं चाय नहीं, एक्चुअली क्या था वो, एक्चुअली चाबी दे के जा रहे थे ना, इसके लिए बोला उन्होंने खोल लो। ठीक है चलो, एनीवेज, नेम द फैक्टर ऑन विच द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस डिपेंड, बताओ। टाइप ऑफ मोशन, टेम्परेचर, टेम्परेचर और एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। क्या होता है यस सर, एटॉमिसिटी? बहुत सर दिन बाद में टाइप टॉपिक ऑफ सुना मैंने। मोशन पे डिपेंड करेगा ना, टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगा ना कितने टाइप का मोशन कर सकता है वो कितने टाइप का हो सकता है? मैंने आपको कितने टाइप का पढ़ा है? सर। एटॉमिक सिटी या कितने पर वाइब्रेशन रूम टेम्परेचर पे कंसीडर नहीं करते आपने बताया था। रोटेशनल और बाकी ट्रांसलेशन रोटेशनल में चेंज होते जाते हैं, ट्रांसलेशनल में तो 3 होते ही होते हैं और सर। कितने? रोटेशनल में डायटमिक हो नंबर ऑफ सकता है, इंडिपेंडेंट रिलेशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, वेरी गुड। और किसी के पास कुछ? और टेम्परेचर सर गैस एटॉमिसिटी, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, एटमोसिटी। चलो ये बच्चे ने बहुत प्यारा पॉइंट बोला, एटॉमिसिटी। सबसे पहली पॉइंट एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी होती क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में व्हाट इज एटॉमिसिटी। सुनो बेटा, गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ठीक है, ये इसका क्या मतलब है? मतलब वेदर द गैस इज मोनो, हाँ बेटा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, डाई और पॉली, ये बताता है पॉली एटॉमिसिटी। सबसे पहली चीज लिख दोगे एग्जाम में, यस सर इतना तो लिख दोगे। अच्छा दूसरा चीज है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। तीसरा क्या है सर? सर टाइप्स तीसरा ऑफ मोशन नहीं, एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा जवाब और एक दिया था, टेम्परेचर। यस ठीक है क्लियर। सर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज 3 times, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आरएमएस ऑफ द मॉलिक्यूल? एक बच्ची पूछ रही थी सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, समझ नहीं आ रहा है, थ्री राइट। टाइम्स हो जाएगा चलो, वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर या रूट ऑफ टेम्परेचर, आई थिंक ये बात तो आप सबको पता है।
यस सर। तो मैं ऐसे लिख दूं, वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट थ्री टाइम्स टेम्परेचर। यस सर। यस। किसी चीज समझने में दिक्कत या लॉजिक में दिक्कत तो बताओ, मैं दूसरा लॉजिक देता हूँ। सबको समझ आ गया? यस सर। पक्का? यस। नहीं आया, एक बच्चे को नहीं आया। सो अब देखो बेटा कैसे इसको मैं करने वाला हूँ। एक सेकेंड, थर्मोडायनेमिक्स खुल गया क्या? चलो कोई नहीं, एक सेकेंड, ये कॉपी कर लिया मैंने। चलो ये थर्मोडायनेमिक्स ही खुल गया। स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? यस सर। यस। ये पता नहीं क्या इसमें एरर आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, अब देखो, नहीं समझ में आया जिनको उनको देखो। देखो बेटा वी आर एम एस क्या होता है एक्चुअली में, दैट इज अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन में एम, सबसे पहली बात। ठीक है चलो अब आगे चलते हैं, ये आपको नहीं समझ में आया तो अब आगे चलते हैं। पढ़ता नहीं, अच्छा ठीक है कोई नहीं कोई नहीं बेटा। अब सुनो, अब फर्स्ट वाले के लिए जैसा इसमें बोला गया है, और सेकेंड वाले के लिए अगर आप कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी टू अपॉन में टी वन। सोच के देखो, ये टी वन अपॉन में टी टू ले लेते हैं, ये बात समझने में दिक्कत तो बताओ? नो सर। आई थिंक अभी आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट वाला लॉजिक अभी सबको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा। अब वी आर एम एस फॉर द सेकेंड केस विल बी इक्वल टू अंडर रूट टी टू अपॉन टी वन अपॉन में टी टू इन टू वी आर एम एस ऑफ वन। ये तो समझ में आया, मैंने इस साइड मल्टीप्लाई किया इसको। यस सर। हियर द क्वेश्चन इज बेटा, दे के रखा है उन्होंने वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट, तीन गुना बोल के रखा है उन्होंने, थ्री टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल, सोचो। यस सर। आर एम एस ऑफ वन। अच्छा इसी बात को बेटा मैंने ऐसे लिख दिया था तो नई बात बन रही थी क्या? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट थ्री टाइम्स टी, सेम ही चीज तो लिखी थी मैंने, सोच के देखो। Yes, कौन सा लॉजिक सही है आप देख लो, दो नंबर का क्वेश्चन। सर अगर आपने जो लिखा था दो पॉइंट वो भी लिखेंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे ना? हाँ बेटा मिल जाने चाहिए, पर थोड़ा अच्छे से लिखना। ओके सर। ऊपर वाला इजी है, आप जानते हो आपके टीचर को बेटर, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ा उनसे, तो यू नो अबाउट द टीचर, सो दैट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट। चलो, अ कंटेनर हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इफ अ फाइन होल इज मेड इन द कंटेनर देन व्हिच ऑफ द टू ग्लासेस शैल लीक आउट रैपिडली। सर लास्ट क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेट चला गया था। ये वाला ये था बेटा कि द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, मतलब किसी गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया तीन गुना, राइट। यानी कि उसका टी जो टी वन था मान के चलो वो थ्री टाइम्स टी वन के बराबर हो गया, तो अब टी वन की वैल्यू ये है और टी टू की वैल्यू ये हो गई। नाउ द आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटा इससे क्या इफेक्ट आ रहा होगा आर एम एस स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो सीधी सी बात है, वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो एक तीन गुना हो रहा है तो अंडर रूट तीन गुना हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉजिक ये था। सेकेंड लॉजिक में बेटा हमने रेशियो लेके चेक किया कि क्या होने वाला है, ठीक। तो जैसे ही हमने रेशियो लिया बेटा सेम आंसर आ रहा था, ठीक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके सर। चले आगे। अब सुनो, एक कंटेनर है बेटा। यस सर। देखो एक कंटेनर है, इसके अंदर हरे रंग से मैं देखो हाइड्रोजन गैस को भर दे रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को। और पीले रंग से मैं किसको भर सकता, सफेद से भरता हूँ, सफेद वाले से बेटा मैं भर देता हूँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, CO2। अब यहाँ पे पूछ रहा है बेटा कि अगर यहाँ पे एक छोटी सी होल हो जाए, राइट, तो पूछ रहा है कि कौन सा गैस सबसे पहले लीक होगा। क्या ये व्हाइट वाला गैस सबसे पहले लीक हो रहा होगा, विल द फर्स्ट, या फिर ये बेटा ग्रीन वाला गैस ज्यादा जल्दी लीक हो रहा होगा? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला सर। ग्रीन वाला होना चाहिए, हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होती है। पक्का? ऑलवेज रिमेम्बर बेटा, हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, डू रिमेम्बर दिस, क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? सर ये का रीजन ये है ना क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है डेंसिटी वाइज,
ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड आगे एक और क्वेश्चन करेंगे हाइड्रोजन और हीलियम का, फिर मैं और थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये 2 मार्क्स का, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्लियर? चलो सर, जो वो क्वेश्चन है दोनों रूट मीन स्क्वायर फॉर्मूले का कंपैरिजन का, वो क्वेश्चन आप आगे कराओगे? क्योंकि अभी आपने अभी तक बताया नहीं। कराने वाला हूं मैं, फिर से डिराइव भी कराऊंगा रूट मीन स्क्वायर, डोंट वरी। ठीक, चलो। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम एंड प्रेशर कॉन्स्टेंट? अच्छा सवाल है, क्या लगता है सर? आइसोथर्मल कंडीशन होगी तो टेम्परेचर को बढ़ाओ गैस का व्हाइल कीपिंग इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा एक इमेजिन करो प्रेशर कुकर का सिचुएशन, राइट? अब आप जैसे आपने पहले बता रखा है, हाँ, पर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम पे फर्क तो आएगा ना सर? टाइम बस्ट हो जाएगा। अच्छा प्रेशर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखो बेटा, P is equal to 1/3 m upon v kt। ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? Yes sir। अच्छा यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? P is directly proportional to T। T दिख रहा है? अच्छा मैं काम करता हूँ, v को इस साइड भेज देता हूँ, तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई? PV is equal to 1/3 m kt। अब PV is directly proportional to T, तो क्या यही कंडीशन ये पूछ रहा है बेटा? वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट रख रहा है तो? Yes sir। Yes sir। दिख रहा है? ये बात समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ? No sir। तो अगर इतना लिखने से आंसर हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा? अगर P and V are constant, P and V are constant, तो ऑटोमेटिकली T को क्या होना पड़ेगा? Constant। Constant। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. T and V are constant. T must be a constant. अच्छा अगला क्वेश्चन तो कर लोगे ना? What is kinetic energy per unit volume of a gas whose pressure is P? Yes, sir. Yes, sir. ये तो करो, ये तो आसान क्वेश्चन मैंने छोड़ा है तुम लोगों के लिए। अच्छा, when an automobile travel for a long distance, the air pressure in the tire increases. ये अच्छा सवाल, क्योंकि सर उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होने लगती है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगती है, ये ऐसा कुछ बताया था मैंने, थोड़ा सा अलग बताया था इससे। हाँ सर, मतलब आपने ऑडियो में भेजा था तो मतलब डायग्राम नहीं बताया था। अच्छा चलो आज मैं बताता हूँ डायग्रामेटिकली। देखो बेटा, सपोज ऐसी एक ट्रक है आपके पास, ठीक, दिस इज अ ट्रक, राइट। अब देखो हो क्या रहा है, ये ट्रक चल रही है बेटा, ठीक है। अब इसके टायर पे फोकस करो सिर्फ, तो आपको क्या समझ में आएगा कि जब ये रोड के साथ चल रही होती है बेटा, जब ये टायर जो है रोड के साथ चल रही होती है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ध्यान से देखो, क्या टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है? Yes, yes, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आरएमएस yes. बढ़ जाएगी से। हाँ, इसका टेम्परेचर सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो होगा क्या? देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे देखो रोड है, राइट, और ये है इसका व्हील। अब इसका व्हील क्या करेगा, इस सस्ते एनिमेशन से थोड़ा सा समझने का कोशिश करो बेटा। अब इसका व्हील क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे फ्रिक्शन आएगा इसकी वजह से, राइट, इसकी वजह से फ्रिक्शन आ रहा हो क्योंकि टायर मूव कर रहा है। अब ये फ्रिक्शन तो आ रहा है, ये तो रही नॉर्मल सी बात, बट यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि अगर यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो रहा है कि विद द फ्रिक्शन हो रहा है? वर्क डन इज Against the friction or with the friction? Sir, against the friction हो रहा है। Against the friction work done हो रहा है, क्योंकि उस friction को पार करके wheel को move करना है। Clear? क्योंकि sir friction opposite direction में लगता है ना हमेशा। हाँ हमेशा, जिसका कोई नहीं बेटा उसका friction physics में, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब work done के बारे में अगर मैं बात करूँ तो work done से क्या होगा? Heat develop होगा बेटा। Yes sir। वर्क डन से हीट डेवलप हो रहा होगा, ये बात सबको पता है। अगर हीट डेवलप होगा तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अब अगर मैं आपको एक आइडियल कंडीशन के बारे में बताऊं, सबसे तगड़ा एजेंट क्या है केमिस्ट्री का, मैं किसको बोलता हूँ? PV = nRT। बुलाओ इस एजेंट को और मैं बोलता हूँ कि भाई टायर मैंने MRF की रखी थी और MRF की भी है, ऐसे चलते चलते टायर बढ़ता है क्या किसी के गाड़ी का?
नहीं अब तुम सर, एक्सट्रीम पे चले जाओ सर, पंचर हो गया तो मुश्किल है। ठीक है आ जा भाई, किधर इसको जॉर्ज पुल लेके जाओगे क्या इस ट्रक को? चलो पी इज इक्वल टू नो सर। कॉन्स्टेंट। ठीक है अगर वी कॉन्स्टेंट हो गया तो क्या हो गया बेटा? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर को बढ़ना बढ़ेगा। बढ़ेगा। किसी को बात समझ में दिक्कत तो बताओ, कुछ भी दिक्कत बेटा किसी भी तरह की? नो नो सर, सर। पोचंकी पोचंकी जा रहे हो तुम अभी तक? चलो नया अपडेट में कहीं और भी उतरो। चलो अ गैस स्टोरेज टैंक हैज अ स्मॉल लीक राइट, द प्रेशर इन द टैंक ड्रॉप मोर क्विकली इफ गैस इज हाइड्रोजन। आगे पूछा है देन इफ इट इज ऑक्सीजन क्या होगा? सुनो बेटा ये गैस स्टोरेज का एक टैंक मैं ऐसे बना देता हूँ। सपोज एक टैंक रखा हुआ है, सपोज दिस इज द टैंक, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो ये छोटा सा एक टैंक बनाता हूँ सबसे पहले मैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि एक छोटा सा लीक हो गया बेटा, पहले जैसा ही केस है हाइड्रोजन और इसका। अब आप अब देखो अब इसमें तो उसको मतलब ऑक्सीजन ना, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी मतलब ज्यादा होती है हाइड्रोजन अभी से। बताता हूँ बेटा। सपोज यहाँ पे एक छोटा सा लीक हो गया राइट, और ग्रीन कलर से आपका सेम एज इट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक, और व्हाइट कलर से आपका मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऑक्सीजन। अब आप बताओ कौन सा गैस पहले निकल रहा होगा? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन क्यों? उसकी विद्युत ज्यादा होती है और उसकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी भी कम होती है। कम होती है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, एक ग्राम्स लॉ करके मैंने कुछ बताया था क्या? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यस सर। वेरी गुड, रेट ऑफ डिफ्यूजन बता रहा होता है वो, मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे। यस सर। ठीक है अब ये क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ, कुछ तो बोल दो कोई, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी। वेरी गुड, अब किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी कम है? सर हाइड्रोजन की तो कम है और कम ऑक्सीजन है, की ज्यादा। ऑक्सीजन की ज्यादा डेंसिटी है। ऑक्सीजन की ज्यादा है पक्का? तो यस डेंसिटी सर। किसकी ज्यादा है? कम ज्यादा है सर। ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से तो ज्यादा कौन सा डेंसिटी। गैस, अब आप बताओ लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर हाथ रख के किसकी डेंसिटी ज्यादा या कम होगी आप बताओ? सर हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होगी ना। और ऑक्सीजन की, तो सर हाइड्रोजन कम होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की ज्यादा। सर हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होगी तो कौन जल्दी निकल रहा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वही ज्यादा हाइड्रोजन होगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन से। वेरी गुड, तो डू रिमेम्बर हाइड्रोजन विल लीक आउट मोर। हाइड्रोजन बेटा ज्यादा फास्टली लीक आउट कर रहा होगा इसकी डेंसिटी की वजह से। ठीक है हल्का है तो पहले आएगा राइट। चलो अच्छा, फोर हीलियम इज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप हैविंग मास 3 ग्राम्स पर मोल एंड 4 ग्राम पर मोल इन अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस विच एटम मूव फास्टर ऑन एन एवरेज। क्या होगा? सर 3 ग्राम पर मोल वाले। हाँ बेटा 3 ग्राम पर मोल वाले फास्ट होंगे ना। फास्ट होंगे। सुनो फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हीलियम इज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप राइट, दो आइसोटोप से मिलके हीलियम बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, जिनका एक का एटॉमिक मास 3 ग्राम पर मोल है और दूसरे वाले का 4 ग्राम पर मोल है। इन अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस कौन सा एटम ज्यादा तेज भाग रहा होगा? सुनो समझाता हूँ बेटा, सपोज ये कोई हीलियम गैस, अब ये दो चीजों से मिलके बना है, दो आइसोटोप से राइट। सपोज दिस इज फर्स्ट आइसोटोप, आइसोटोप मतलब आप जानते हो 9th में पढ़ा होगा, यस यस मास नंबर और वो सेम रहता है या डिफरेंट रहता है, कुछ याद है ऐसा? चलो यस सर। तो फर्स्ट आइसोटोप है 3 ग्राम पर मोल का, सेकेंड आइसोटोप कितना है बेटा? 4 ग्राम पर मोल। अच्छा अब आपने रैंडमली कंटेनर के अंदर, ये तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, अब रैंडमली आपने एक गैस का पार्टिकल उठाया, नाउ हियर इज द क्वेश्चन, अब क्या चांसेस है कि कौन सा इसमें फास्टर मूव कर रहा होगा? क्योंकि ये तो गैस है आइसोटोप। क्या, 3 वाला ज्यादा मूव कर रहा होगा फास्टर या 4 वाला, आपको क्या लगता है? थ्री वाला। थ्री वाला। क्यों 3 वाला बेटा? सर क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है सर उसका। डेंसिटी कम है इसके लिए पक्का?
अच्छा सुनो, एवरेज स्पीड, अब सुनना अच्छे से, एवरेज स्पीड ऑफ, किसका एवरेज स्पीड एटम का गैस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बता सकता है कोई? मास के नहीं बेटा, कुछ और चीज है, आरएमएस ऑफ एटम, अब बता दो कोई, इतना हिंट मैंने दे दिया, एनी वन ऑफ यू कुछ ट्राई व्राई करना चाहे कोई? टेम्परेचर, डेंसिटी या टेम्परेचर, चलो कोई नहीं, थोड़े थोड़े सब सही है, थोड़ा और सही हो जाओ बेटा बस। अच्छा सोच के देखो बेटा, जो पार्टिकल हल्का होगा, अभी मैंने क्या बताया, वो तेज चलेगा या स्लो? सर तेज, तेज, चलो देन तेज चलेगा, तो उसको तेज चला दे। तो जिसकी डेंसिटी बेटा कम है वो कौन है, लेस किसकी होगी, जिसका मास कम है, लेस, तो मास लेस किसका है, 3 ग्राम पर मोल का। दूसरे वाले केस में अगर आप देखो तो वो है बेटा 4 ग्राम पर मोल का, जो कि स्लो होगा। क्लियर? अब आपको सुंदर से इसी पॉइंट को लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, राइट, इसमें हम ये बोल के नहीं जा सकते कि अच्छा इसका ज्यादा होगा, थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा साथ ही साथ, तो लिख लोगे कुछ? यस सर, लिख ही लोगे इसमें, चलो आगे चलो। सर ग्राम पर मोल का ही ज्यादा होगा? हाँ, उसी का ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि वो हल्का है इसलिए बहुत तेज मूव करेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन कोई तो बता दो इसका क्या होगा। 2 vessels ऑफ सेम वॉल्यूम आर फिल्ड विद गैस एट सेम टेम्परेचर, इफ द प्रेशर ऑफ गैस इन दीस वेसल्स बी इन रेशियो 1:2, देन स्टेट द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, व्हाट यू थिंक? सर रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड इसका 1:1 होगा। उनको मैं समझाता हूँ, देखो कैसे वन होगा, देखो क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ इसमें ज्यादा साइंस नहीं है। मैंने क्या बताया बेटा, मैंने प्रेशर के बारे में क्या बताया था, 1/3 mn c² / v, यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहां से प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, nc² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोच के देखो ये तो बताओ। ओके ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है आप बताओ, m कांस्टेंट है एंड v इज वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक बेटा, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, ये दो चीज कॉन्स्टेंट है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। अब C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, अंडर रूट T के, दिख रहा है क्या आपको ये इक्वेशन से? सर ये कैसे हो गया बेटा, PV इज इक्वल टू nRT से हुआ है, राइट? अब मैं आपसे पूछ लू C1:C2 कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 1:1, यस और नो, सोच के देखो। सर हमको बेटा, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर यूनिटी हुई तो दोनों ही यूनिटी होंगे। यस सर। अच्छा अब अगला इंपॉर्टेंट है बेटा, अगला आपको 2-3 क्वेश्चन करा जाएगा, व्हेन टेम्परेचर इज सेम फॉर, सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। अच्छा लिख के भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड बस, ये लो ये वाली। यस सर, चलो आगे चलते हैं। When temperature is same for 2, अब गेम बदल जाएगा बेटा, अब P is directly proportional to number of moles, जितना number of moles ज्यादा होगा pressure ज्यादा होगा। आपने 4 के बाद लिखाई? जी बेटा। सर 4 के बाद? 4, 4 कहाँ लिखा मैंने? Same for. Same for 2, दोनों के लिए same होगा तो क्या होगा? 1:2, हाँ बेटा, 1:2 हो रहा होगा, 1/2, ये समझ में आई क्या ये बात? देखो उसने ratio देके रखा है, 1/2 दिख रहा है क्या ये? प्रेशर का रेशियो उसने गिवन ये दे रखा है, इसके लिए मैंने इसको लिया, क्लियर है? यस सर। ओके अगला क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा ट्राई करो, क्या आ रहा है मेरे को भी बताओ थोड़ा। सर रिपीट, तब तक मैं रिपीट कराता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि सबको समझ नहीं आएगा। देखो बेटा 2 vessels है सेम वॉल्यूम के, आर फिल्ड विद सेम गैस एट सेम टेम्परेचर। जैसे मान लो 2 glass है मेरे पास बेटा, इस तरह के 2 glass मैंने ले रखे हैं, और इसके अंदर बेटा मैंने सेम गैस को फिल किया है,
और प्रेशर ऑफ गैस इन दिस वेसल आर रेशियो 1:2, तो द रेशियो ऑफ आर एम एस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। अब क्या होगा अगर दोनों को मैं हीट करता हूं तो क्या असर आ रहा होगा पहली बार, ठीक। तो हमको ये पता चला P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू C स्क्वायर, और मास और वॉल्यूम इस ग्लास का कांस्टेंट है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर, तो 1:1 यहाँ पे हमें आराम से मिल गया। पर सेकेंड केस में जब टेम्परेचर दोनों का सेम रखा गया ना बेटा, और नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर का रेशियो लिया गया, तो इट कम्स अराउंड 1:2 व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेसल बी इन द रेशियो 1:2 देन, ठीक है क्या, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर, नो सर, ऑल गुड। एक सेकेंड, यस सर, यस सर। चलो एक्चुअली होप ने वो गले में पहन के रखा है, उसको जहां जा रहा है वहां पे टिंग टुंग करे जा रहा है, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो द आरएमएस स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टी इज वी, इफ टेम्परेचर इज डबल्ड एंड ऑक्सीजन गैस डिसोसिएटेड इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, क्या होगा? द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट सर्टेन टेम्परेचर टी इज वी, मेरी बात को फिर से सुनना, कि आरएमएस स्पीड जो है बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का किसी टेम्परेचर पे टी है, किसी टेम्परेचर टी पे वी है बेटा, सबसे पहली बात। अगर आप टेम्परेचर को दुगना करोगे तो ऑक्सीजन गैस डिसोसिएट जो हो रहा होगा एटॉमिक ऑक्सीजन में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, कुछ भी समझ में आया? हो भाग गया, हाँ हो भाग गया बेटा, पीछे ही है, ठीक है सर। टी की जगह सॉल्व हो गया इसका, 2v आंसर आएगा। 2v आएगा कैसे सर? इसके अंदर ना हम रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। वेरी गुड, अच्छा सॉरी, रूट 3 ओ रूट अंडर रूट 3p अपॉन रो वाला जो है फॉर्मूला वो लगा के सर सॉल्व होगा। चलो मैं इसको आपको इतना आसानी से सॉल्व करा देता हूं कि आपको तीन नंबर मिल जाए, देखो कैसे बेटा। मान लो सी एंड सी डैश दो है, बी द आरएमएस, अब मैं इनको बोलता हूँ बी द आरएमएस वेलोसिटी, इनको मैं बोल देता हूँ बी द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ओ टू ऑक्सीजन का, ये क्लियर है बेटा यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? एट टेम्परेचर किस तापमान पे बेटा, टी वन एंड टी टू या टी डैश ले लो अगर, मेरा आवाज मेरी को क्यों रिपीट हो रहा है, चलो एट टेम्परेचर टी डैश। नाउ सी की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई है, अंडर रूट 3 RT अपॉन एम विच इज इक्वल टू वी। अब सुनो बेटा यहाँ पे टेम्परेचर कितना करने बोला है इसने, आप लोग बताओ, 3R into 2T डिवाइडेड बाई एम बाई 2, यही चीज दे रखा है। इफ टेम्परेचर इज डबल, अगर टेम्परेचर को आप दुगना करोगे तो क्या होगा, यही पूछा है इसने, सोच के देखो। ये तो मैंने कर दिया यहां तक बेटा, किसी को समझ नहीं आया तो सर ये नीचे का 2, सर ये नहीं समझ, अरे बेटा ऊपर का 2 करोगे तो नीचे क्या होगा, किसी को कुछ भी समझ में आया क्या? पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी तो करते हैं 2 से मल्टीप्लाई ना, बस यही किया बेटा मैंने, और किसी को वैसे भी नहीं समझ आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि अगले स्टेप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बाहर ले लो और अंदर लिख लो 3 RT अपॉन में m which is nothing but equal to 2v, तो c और c डैश दोनों की वैल्यू आ गई 2v, क्लियर है? जिनको नहीं समझ में आया था उसके लिए, वैसे तो सभी ने आंसर दे ही दिया था 2v, बाप रे 2v है मतलब इसका आंसर। यहां तक बेटा किसी को किसी तरह का डाउट तो बताओ, नहीं तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूं क्या, जो कि बहुत ही खतरनाक सा दिख रहा है, कि अ पार्टीशन डिवाइड्स अ कंटेनर, मतलब बेटा दो, एक कंटेनर है बहुत बड़ा, उसको हमने दो एक छोटे पार्ट में डिवाइड किया, राइट, हैविंग इंसुलेटेड वॉल इनटू टू कंपार्टमेंट 1 and 2, द सेम गैस फिल इन द टू कंपार्टमेंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कंपार्टमेंट 1 and 2, व्हाट यू थिंक? फिर से 1:2 सेम होगा रेशियो 1:2। चलो एक बच्ची ने बेचारी ने ट्राई किया, वेरी गुड, और कोई
देखो बेटा मैं फिर पढ़ता हूँ, एक बहुत बड़ा कंटेनर था, उसके बीच में हमने एक इंसुलेटेड वॉल लगा दी ताकि यहाँ का प्रेशर टेम्परेचर यहाँ ना जाए, यहाँ का प्रेशर टेम्परेचर यहाँ ना आए, ठीक। अच्छा हाँ, वैसे 1:4, हाँ अशु बेटा सही है आपका, ठीक है। वट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कंपार्टमेंट 1 एंड 2, ठीक। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए, आपको क्या लगता है बेटा कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाना सही होगा अकॉर्डिंग टू यू? चलो देखते हैं, कंपार्टमेंट वन में क्या क्या चीजें बेटा देख के बताओ बस मुझे, कंपार्टमेंट वन में क्या क्या चीजें गिवन है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। वेरी गुड, यानी कि पी वी और टी ये चीजें गिवन है। अच्छा मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को N1 ले लूं तो कोई दिक्कत बेटा चलेगा? नो सर। अच्छा अब मेरा सवाल ये बेटा, क्या कंटेनर वन में जो फर्स्ट पार्टीशन हुआ है ये वाला, इससे मॉलिक्यूल इस साइड जा सकते हैं क्या अगर बीच में इंसुलेटेड वॉल है तो? नहीं सर, नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं जा सकते बेटा, इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। अच्छा अब कंपार्टमेंट टू में क्या दे रखा है बेटा आप लोग बताओ, कंपार्टमेंट टू में 2p 2v और 2d। यहाँ पे मैं N2 ले लू तो चलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को? यस सर। आई थिंक यहाँ तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। पीवी 2 देगा, हाँ इसका मतलब बेटा समझ नहीं आया बेटा, डाउट आपका समझ नहीं आया। PBTNODODEJA सर रिप्लाई कर रहा था। हाँ सर पहले रिप्लाई कर रहा था जब आप कह रहे थे। ओ हो, नथिंग, गो अहेड, हैं इसका ये मतलब? अरे चलो पता नहीं क्या लिख रहे हो चाइनीज में, चलो। और PV is equal to NKBT, यही फॉर्मूला में किसी को डाउट था कि प्रेशर का कब लगाना या वेलोसिटी VRMS में डाउट था? इसमें भी डाउट VRMS में था, VRMS में था, ठीक है इसमें तो किसी को डाउट नहीं आया थी। अब बेटा आप बताओ PV upon NT is equal to KB के बराबर है? Yes। और this KB is what? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्लियर आई थिंक सब। अब मैं अगर सेकंड पार्ट की तरफ चलूं तो N1 अपॉन में N2 का रेशियो किसके बराबर आएगा? P1 V1 अपॉन में T1, सोच के देखो, इनटू P2 अपॉन में P2 V2, ये कैसे हुआ कोई बता सकता है मेरे को? हाउ दिस हैपेंस सर? ऊपर वाली इक्वेशन से ही आपने उलट उलट कर दिए वैल्यूज रख के। हाँ बस वैल्यूज को नीचे भेज दिया टेम्परेचर और एन को, और उस केस में मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया ताकि, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं इसके नीचे लिखता ना बेटा सेम चीज को, तो मैं सर, तब भी तो वही होता ना। हाँ तब भी यही चीज आ रहा होता, इसके लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये स्टेप मैंने गायब कर दिया, तो आप लोग मत गायब करना, मैंने गायब कर दिया ठीक, ताकि थोड़ा सा टाइम कम है अपने पास, इसके लिए मैंने इसको गायब किया, तुम लोग पूरा स्टेप लिख गया ना। अब सुनो बेटा N1 अपॉन में N2 की वैल्यू कितनी आएगी? P × V / T सबसे पहले। अच्छा P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा इन्होंने? 2 2V। अच्छा अब दूसरे पेज में कर देता हूँ, चलो। अब इसके बाद बेटा अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रेशियो आएगा N1 अपॉन N2 का? सर 1:4 का PVT अपॉन में T × 4PV। अब V से D cancel, T से T cancel, P से P cancel, the ratio will be 1/4। इसमें किसी भी स्टेप में डाउट हो तो बेटा बता दो, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कोई भी रिपीट करना हो तो। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो फर्स्ट स्टेप। यस सर दोबारा करो। दोबारा कौन सा स्टेप बताओ, पूरा कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। कंपार्टमेंट 1 वाला, ठीक है बेटा कंपार्टमेंट 1 वाला समझाता हूँ। सबसे पहले कंपार्टमेंट 1 वाले में गिवन था कि आपको प्रेशर पी लेना है, वॉल्यूम वी लेना है, टेम्परेचर टी लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया वहां पे PV = NKBT सबसे पहले, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, कोई पबजी खेल रहा है? हाँ पबजी मत खेलो, जो भी खेल रहा है, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट में सब्जी बन जाएगा। सुनो अब देखो PV / NT की वैल्यू किसके बराबर आ गई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर आ गई सबसे पहले। फिर बेटा हमने N का रेशियो लिया। अब ये N का रेशियो मैंने कैसे लिया समझाता हूँ, देखो N का रेशियो मैंने ऐसे लिया बेटा, N = मैंने लिखा PV / T × KB। तो सर KB कहाँ गया? KB को मैंने हटा दिया, T square double नहीं होगा क्या?
टी स्क्वायर डबल न्यू, ये नहीं समझा बेटा। बेटा टू टी दिया है ना क्वेश्चन में, टू टी ये वाला पूछ रहे हो आप, टी टू के लिए, टी टू के लिए, टी टू के लिए पूछ रहे हो क्या? यस सर। होगा बेटा होगा, स्क्वायर होगा, टू होगा तो वन बाई टू आएगा इसका आंसर। सही बोला आपने, इसका टू टी होगा बेटा, तो टू से एक और टी कट जाएगा तो वन बाई टू आएगा। ठीक है, किसी ने वन बाई फोर भेज दिया था ना सर, मैंने वन बाई टू ही बोला था शुरू में, तो आपने गलत बोला था। गलत बोला क्या मैंने? सॉरी सर, आपने कहा था ये नहीं होगा, फिर किसी ने वन रेशियो फोर बोला था। नहीं टी बाई, सही है सही है, ठीक है, मुझे लगा कंपार्टमेंट वन के लिए शायद कोई बता रहा है। सुमित बेटा वन बाई, आशु बेटा वन बाई टू है, सुमित ने नहीं आशु ने भेजा था। ठीक, तो वन बाई फोर दिमाग में बैठ गया और वहां सेट भी हो गया, तो मैं बोला यही होगा। सर ये रिपीट कर दो सेकंड लाइन से। जी 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 अभी कर रहा हूँ बेटा, अभी कर रहा हूँ, देखो तो लास्ट किन से, अभी यहाँ तक तो समझ आ गया ना बेटा। यस सर। अच्छा अब एन वन अपॉन एन टू का अगर मैं रेशियो लू तो ये कितना आएगा, पी वन वी वन अपॉन में टी वन डिवाइडेड बाई P2 V2 अपॉन में T2। अब इस चीज को अगर मैंने ऊपर भेजा बेटा तो क्या हो जाएगा, P1 V1 into T1 into T2 divided by P2 V2। क्लियर है ये बात, ये इनका रेशियो है। yes. ठीक, अब T2 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है ट्वाइस ऑफ T, P की वैल्यू, P2 की वैल्यू दे रखी है ट्वाइस ऑफ P और V की वैल्यू दे रखी है ट्वाइस ऑफ V, क्योंकि सर कंपार्टमेंट टू में जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है तीनों को उन्होंने डबल कर दिया है, तो देखा जाए तो वन रेशियो टू ही तो आएगा, मतलब तीनों का अगर रेशियो ले प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का तो। सही बात है बेटा, बस लेकिन ऊपर में एक चीज आपने नहीं देखा, ठीक है दिखा? हाँ सर। ठीक है चलो फिर आगे चलते हैं, अगर दिख गया तो। अगला सवाल है, ये सवाल तो बहुत टफ है, कैसे प्रूफ करोगे, तीन नंबर में भी है ये, तीन नंबर तो चाहिए। हाउ विल यू प्रूव दिस इक्वेशन, पहले आराम से सोच लो, मुझे कुछ फॉर्मूला वर्मूला भी बता सकता है अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो। सर CP - CV = R है। चलो ठीक है, बच्ची ने बोला तो वैसे ट्राई करते हैं कि प्रूफ करना है कि किसी भी परफेक्ट गैस के लिए जिसका n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फिर से सुनो बेटा, किसी भी परफेक्ट गैस के लिए जिसका n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, CP और CV के मतलब सेम है, उस की वैल्यू आपको रखनी है 1 plus 2 upon n, ये चीज को बताना है कैसे करोगे। देखो CP minus CV is equal to R, सबसे पहले बच्ची ने बोला तो सबसे पहले इसमें वाला भी लगा सकते हैं कि जो CP का फॉर्मूला होता है वो F plus 2 upon में 2R होता है और CV का F by 2R होता है, उससे भी तो आ जाएगा इसका, आ जाएगा, लेकिन उसे तीन नंबर मिलेंगे कि नहीं गारंटी नहीं है बेटा, क्योंकि छोटा सा छोटी डेरिवेशन हो जाएगी ना, फिर वो छोटी हो जाएगी इसके लिए, नहीं तो वो यूज कर लेते हम लोग। ठीक है, अब देखो CV की वैल्यू आपको पता है n by 2 RT होती है। yes, sir. अच्छा ये बात शायद मैंने बताया था आपको जब मैं KTG पढ़ा रहा था, तो नहीं पता तो कोई नहीं बेटा, CV की वैल्यू 1 upon 2 RT होती है, where n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, आगे चलते हैं। अब CP कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से CP, CP CV plus R हो जाएगा, सोच के देखो। yes, sir. CV की वैल्यू कितनी मिली है आपको, n by 2 R plus में R। अब अगर मैं R को कॉमन ले लूं, सर T भी तो होगा वाली इक्वेशन में, n by 2 R plus R T। हाँ ले लो, चलो तुम बोल रहे हो बेटा तो मैं ले लेता हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं, R हमने कॉमन ले लिया, n T अपॉन में टेम्परेचर को, एक्चुअली इस केस में इन्होंने टेम्परेचर दिया नहीं है, इसके लिए मैं टेम्परेचर ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, वैसे ले सकते हो, क्या पता T की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक, तो इसको गायब ही कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे That T is equal to 1 degree Celsius होगा तो। ठीक, अब क्या हो गया बेटा, n by 2 plus 1 बचेगा इसके पास। Yes, sir. अच्छा ये थी आपकी CP की वैल्यू, अब गामा का रिलेशन क्या होता है, बता दो। हाँ क्या हो गया इसमें दोबारा, इसमें था ही नहीं बेटा, चलो कोई बात नहीं फिर से बता देता हूँ, CP minus CV is equal to R होता है बेटा, ये मेयर्स लॉ है, राइट। CV की वैल्यू होती है n upon 2 RT, ये मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद बताया था आपको। ठीक, अब CP is equal to CV plus R, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n by 2 RT plus में R, और मान लेते हैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, तो ये एक रिलेशन हमको मिल रहा है R कॉमन लेने के बाद। ठीक है, और गामा की वैल्यू कितनी होती है, CP upon CV, तो ये कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू एन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई
सीवी पक्का ये सर क्योंकि ये सीपी की वैल्यू है ना सीवी अब अच्छा ठीक है दूसरे ही पेज ऐड कर देता हूँ अब देखो यहाँ से क्या करोगे आप सीवी की वैल्यू हमको कितनी मिल रखी है पहले से कितनी मिल रखी है ठीक है इसलिए मैं टी नहीं ले रहा था अब समझ में आ गया Yes. बात वही हो जाती घूम फिर के ठीक चलो टी वन डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी सर आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख दूं वन प्लस टू बाई एन चलेगा यस सर इसकी किसी भी स्टेप में किसी को डाउट तो बताओ बेटा No, मैं फिर से सारे स्टेप समझा दूंगा किसी को किसी स्टेप में डाउट तीन नंबर मिल जाएंगे मतलब छोटी नहीं होगी डेरिवेशन नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं लिखना है आपको कैसे लिखना है मैं समझाता हूँ ऐसे लिखो हियर सीवी इज ऐसे लिखो हियर सीवी इज व्हाट हियर सीवी इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ठीक है ओके ठीक है थोड़ा अच्छे से लिखो ताकि क्योंकि तीन नंबर है ना टीचर को भी देना मतलब अंदर से बंद रहो राइट हाँ अगला सवाल है थ्री वेजल ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव गैसेस एट सेम टेम्परेचर The first vessel contain neon, ठीक है तीन vessel है मिल जाएंगे ठीक है तीन vessel है अब देखो तीनों vessel बना देता हूँ ये first vessel हो गया बेटा ठीक है ये second vessel हो गया right तो सुनो this is vessel one, this is vessel two, this is vessel three. Now question ये three vessels of equal capacity have gases at same temperature and pressure. तीनों में gases और pressure same temperature पे. First में बेटा कौन सा gas रखा है इन्होंने neon. Neon. ये है बेटा आपकी मोनोएटॉमिक शॉर्ट में लिख रहा हूँ ठीक है टाइम कम लगे सेकंड में इन्होंने कौन सा गैस ले रखा है क्लोरीन ले रखा है ठीक है थर्ड में हेक्सा फ्लोराइड देखो देखते रहना गलत ना लिख दूं कहीं मैं राइट चलो अब इसने बोला है बेटा ये है आपकी हेक्सा फ्लोराइड यानी कि पॉलीएटॉमिक अब सवाल सुनो अब सवाल ये कि डू द वेजल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे पहली चीज दूसरी बात इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम इन दिस थ्री केस इफ नॉट इन विच केस वीआरएमएस इज लार्ज अब ये पूछ रहा है बेटा कि क्या इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे पहला सवाल दूसरा सवाल ये है कि क्या रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा तीनों केसेस में तीसरा सवाल अगर नहीं होगा तो किसमें वीआरएमएस ज्यादा होगा क्या लगता है एवोगैड्रो नंबर क्या होगा सबसे पहले तो ये बताओ 6.022 × 10⁻³ और वी आर एम एस की वैल्यू अंडर रूट 3 RT/m 3 KT/m या RT/m जो भी है देख ठीक सर ये m का डिफरेंस आता है मतलब कैपिटल m ले तो कुछ और वैल्यू होती है और स्मॉल m ले तो कुछ small, और होता है कैपिटल m और स्मॉल मोल्स के लिए होता है ना मोल्स में चला जाएगा और मोलार मास में चला जाएगा ध्यान रखना सर आप दोनों एक साथ बोल रहे हो समझ नहीं आया ठीक है बच्ची बता रही थी आपको बेटा आप ही बोलो जब कैपिटल एम लेते हैं ना तो जब मोल्स गिवन है तो कैपिटल एम लेना लेकिन जब मॉलिक्यूल्स के बारे में बोला तो स्मॉल एम वाला लगाना क्योंकि कैपिटल एम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास लेना है और स्मॉल एम में जो गिवन मास होगा वो लेना है समझ में आया बेटा ओके सर अब मैं बताता हूँ कैपिटल एम जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल का कितना उसके मॉलिक्यूल का मास बता रहा होता है और जो स्मॉल एम होता है वो हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि यूज दिस स्मॉल एम एज द मास राइट मास ऑफ क्लोरीन पूछ लेगा मास ऑफ ऑक्सीजन और कैपिटल एम उसके मॉलिक्यूल का मास होगा मतलब हर मॉलिक्यूल में उतना मास प्रेजेंट होगा ठीक है ओके ठीक अब मेरे को ये बताओ बेटा अब किसका सबसे ज्यादा हो सकता है वीआरएमएस सर नियॉन का क्यों ज्यादा होगा बेटा वीआरएमएस क्योंकि मास क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर रूट मीन स्क्वायर के मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना डेंसिटी और डेंसिटी नहीं सोचने वाली बात ये भी है कि जितना भारी मॉलिक्यूल होगा उतना टाइम लगेगा उसको ट्रैवल करने में सर अब मेरे जैसे ज्यादा हल्का आदमी दौड़ेगा ज्यादा जल्दी निकलेगा हाँ मेरे जैसे मोटा आदमी दौड़ेगा और कोई पतला आदमी दौड़ेगा तो पतला आदमी जीत जाएगा ऑब्वियस सी बात है तो इन द सेम केस बेटा ज्यादा मास को ज्यादा टाइम लगेगा ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को
चलो नियॉन की ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन, टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल वन एंड टू आर फिल्ड विद एयर एट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू एंड वॉल्यूम वी वन एंड वी टू, प्रेशर उनका पी वन और पी टू है। अगर सुनना, अगर वैल्यू ज्वाइनिंग द टू वेसल इज ओपन, मतलब उसका जो वॉल्व है वो पतली सी, अगर उसको मैं हटा दू, इमेजिन करो कि एक बड़ा सा वेसल है जिसके दो टुकड़े और बीच से दीवार को मैं तोड़ दू, तो आपको ये बताना है व्हाट टेम्परेचर ऑफ वेसल इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक, ये खुद से थोड़ा ट्राई करना, पर मैं हिंट जरूर दूंगा आपको क्या करना है। P1V1, या इससे ज्यादा बेटर मैं एक और टेक्निक बता देता हूँ आपको, PV = nRT, आप लोग सबको आता है? यस सर, एजेंट है केमिस्ट्री का, राइट? और P1V1 अपॉन में RT1 प्लस आपको क्या लिखना पड़ेगा, P2V2 अपॉन में RT1 RT2। P कॉमन आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 अपॉन में RT। अब इसके बाद आप एक काम करना, बॉयल्स लॉ लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा है बट लगा के देखना। चलो ये बता दो, व्हाट आर द बेसिक अजम्पशन ऑफ केटीजी ऑन द बेसिस ऑफ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। सर को लाइक, चलो एक एक करके बताते जाओ। सबसे पहला क्या है बेटा, मॉलिक्यूल डू नॉट इंटरैक्ट, मतलब उनके बीच में कोलिजन, रिपल्सिव और अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। ठीक है, नो रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स, वेरी गुड। चलो मतलब आप लोगों को पता है सारे पॉइंट, ठीक है, मैं कुछ कुछ पॉइंट लिख लेता हूं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है और साइज और वॉल्यूम नेगलिजिबल होता है। डेरिवेशन करा दो जो आगे का बोला हुआ है। क्या चीज बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूँ सर, ये तो लिख नहीं, डेरिवेशन आगे वाली करा दो आप, ये तो हम लिख लेंगे, टाइम भी कम बचा है। टेंशन बेटा, वो तो मैं करा ही देता हूँ अभी। यहाँ तक बेटा ये पांचों पॉइंट याद रहेगा। चार ही लिखे हैं, क्या और लिख दूं, इलास्टिक कोलिजन वाला लिख देता हूँ, वो भी लिख दिया, और क्या लिख दूं सर, साइज और वॉल्यूम नेगलिजिबल होता है ना, लिख लोगे ना। मैंने वैसे 9 पॉइंट दिए थे, आपको याद है? यस सर, 9 के 9 पॉइंट मैंने PDF में डाल रखे हैं। ठीक है, ग्रुप में एक बार सर्च करना, जाके आपको दिख जाएगा ऑसिलेशन का, सॉरी आपके KTG के नोट्स को आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप में जाके सर्च करना। चलो पहले मैं मीन फ्री पाथ का करा देता हूँ, फिर प्रेशर वाले का करा दूंगा, ठीक? यस, क्योंकि नीचे भी वही चीज है। चलो पहले मीन फ्री पाथ का करा देता हूँ। तो मीन फ्री पाथ कैसे शुरू होगा बेटा, मैंने कंटेनर बनाया था, यहाँ पे कंटेनर बना लोगे सबसे पहले, टाइम कम है इसलिए मैं बार बार कंटेनर नहीं बना रहा हूँ, कंटेनर तो बना लोगे ना। हेलो, क्या हो गया? हेलो, चलो तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अरे चलो, ये है लैम्डा बेटा। लैम्डा के लिए मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, अगर किसी को याद हो तो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग जनरली, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, हाँ बेटा ग्रेविटी को उसमें इफेक्ट नहीं देते। इसके बाद, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रिंस बेटा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दूंगा, कल ही भेज दूंगा। ठीक, चलो। और बेटा मैंने लैम्डा के बारे में क्या बताया था, VT अपॉन में N π d² VT, ऐसा कुछ बताया था सर आपने, इसको ये भी बताया था ना, 1/√2 N π d² उस पे भी आ रहा हूँ मैं, उस पे भी आ रहा हूँ, डोंट वरी। एस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, N π d², कीप दिस एज इक्वेशन 2। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी इसके बारे में, 1/√2 आगे N π d² याद है, पूरा नहीं बता सकता बेटा क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक, यहां से अगर आप इक्वेशन 2 और 1 की वैल्यूज को रखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आप रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M√2π d² mn। ठीक, आप खुद से थोड़ा वैल्यू पुट करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। डोंट थिंक वैल्यू कोई तो पुट करेगा इसमें। चले आगे, आगे चलते हैं, एक सेकेंड पेज ऐड कर दो बस इसमें। सर एक बार फिर से लास्ट पेज दिखा दो। ये लो बेटा, कुछ नहीं किया मैंने, दो इक्वेशन ली लैम्डा की, दोनों को एक तरफ लिखा और उसके बाद यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश की, दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू।
हाँ हाँ अलीशा बेटा नो इशू, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। चलो ग्रुप में तो वैसे मैंने भेज ही दिया था आज। M2 कैसे आएगा? Into बेटा root 2 मैंने इसका n की जो value है ना उसके लिए एक assumption बताया था पूरा derive करके, याद है कैसा 26 से 25 किसी एक group में बताया था, पूरा assumption लिया जाता है इसका root 2, right? तो वहां से ये actually आता है, ठीक? वो पूरा बताऊंगा तो बेटा बहुत time लग जाएगा, फिर तो time में cover। हाँ बेटा ठीक है सर, आप मेरे को ना पर्सनली मैसेज कर दो कि सर रूट टू कैसा है, मैं वॉइस मैसेज में भेज दूंगा, ठीक? चलो अब m into n को मैं रिप्लेस कर देता हूँ डेंसिटी से, क्योंकि वो मास और वॉल्यूम ही है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर mn हटा दो तो क्या बन जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, m रूट टू पाई डी स्क्वायर रो, m अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर इंटू रो, ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला तो नहीं है बट ठीक है, एक स्टेप हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा पीवी की वैल्यू कितनी होती है, एन के बी टी, यही होती है, ठीक है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। अब इस वैल्यू में अगर मैं आपसे पूछ लूं पी कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, एन अपॉन वी इंटू के बी टी, राइट? अच्छा एन अपॉन वी को ऐसे लिख लो, स्मॉल एन के बी टी इज इक्वल टू पी, इसमें डाउट है तो बताओ बेटा यहाँ तक कुछ भी, ऑल गुड। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि टाइम कम है, केस स्टडी भी कराना है, आगे भी कराना है, ठीक? चलो यहां से अगर मैं आपसे पूछ लूं स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सिर्फ स्मॉल एन की वैल्यू बता दो, इसको इक्वेशन टू में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगा अगर इक्वेशन टू में इसको पुट करूंगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सेकेंड चीज एवरेज स्पीड पे, एवरेज स्पीड तो पूछा भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक बेटा कुछ भी डाउट किसी को जल्दी बोल दो, यस नो, नो सर, चलो अब सुनो, अब अब ये क्वेश्चन अच्छा दिखा दीजिए, आरएमएस, चलो आरएमएस वाला तुम लोगों को बता दो जल्दी से, चलो जल्दी से आरएमएस वाला रिवाइज करा देता हूँ। सुनो बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन स्पीड, सबसे पहली बात तो ये है, फिर पूछ रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबली स्पीड ऑफ गैस, द वेलोसिटी ऑफ 10 पार्टिकल्स, राइट? सुनो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा मीन स्पीड क्या होता है। तो किसी भी चीज की मीन स्पीड, जैसे ये एग्जांपल लेके अब मैं आपको सिखाता हूँ मीन स्पीड कैसे फाइंड करते हैं और क्या अलग होता है आरएमएस में, इसकी मीन स्पीड कितनी आएगी आप बता सकते हो, 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9, ये है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, कौन सा वैल्यू लगाना है, तो वी आर एम एस में आप वेलोसिटी का स्क्वायर करके नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देना या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, दिस विल बी योर वी आर एम एस, ठीक है बेटा। अब एक बच्ची का डाउट था सर आप क्यों v इज इक्वल टू रूट थ्री के टी कब लेना है, यही डाउट था बेटा आपका, यस सर, और कब इस फॉर्मूले को यूज करना है, तो इस फॉर्मूले का यूज आप तब करोगे जब आपको हर एक एवरी पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन, ठीक है, जो जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा तब आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है, अगर आपसे हर पार्टिकल का नहीं पूछा जा रहा है तो इसको आप ऐसे लिख लोगे के टी वाले फॉर्मूले से, यस सर, ठीक है, अभी थोड़ा सा आइडिया लगा क्या बेटा। अब मैं समझाता हूँ मीन स्पीड अलग चीज होती है, वीआरएमएस अलग चीज होती है, वैसे मैंने बहुत बता दिया बट फिर बताता हूँ, मीन स्पीड जनरली एवरेज स्पीड होती है और वीआरएमएस इज वेरी डिफरेंट, ठीक सर, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है ना वीआरएमएस में स्क्वायर जो होता है, हाँ मैंने बताया था शायद, याद है आप लोगों से पूछा भी, यस सर, और क्यों ली जाती है वीआरएमएस, कोई बच्चा मेरे को बता दो सर, क्योंकि मतलब एवरेज स्पीड जो है वो मतलब पॉइंट पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर सकते, रूट मीन स्क्वायर से उसकी एक पार्टिकल की वेलोसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं,
और उसका एवरेज लेके हम ये बता सकते हैं कि चलो पार्टिकल इस वेलोसिटी पे तो जरूर रहा होगा। हाँ सर यही बात बताता है वो। तो आरएमएस कैलकुलेट कर लोगे सब यहाँ से? यस सर। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। केस स्टडी ले लो या न्यूमेरिकल ले लो, तुम लोग बता दो। सर केस स्टडी ले लो। केस स्टडी या न्यूमेरिकल जल्दी कमेंट कर दो बेटा। केस स्टडी तो थोड़ा लंबा है। केस स्टडी या न्यूमेरिकल सब लोग कमेंट कर दो यार, बाकी सो गए हो क्या? केस स्टडी, केस, एक दो न्यूमेरिकल भी बोल रहे हैं। न्यूमेरिकल तो जो इम्पोर्टेंट हो मेरे हिसाब से, न्यूमेरिकल तो कर ही लोगे, केस स्टडी कर लो क्योंकि न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी तुम लोगों ने बहुत कर रखा है इसमें। ठीक, केस स्टडी करा देता हूँ सर। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी वही बता रहा हूँ बेटा, इसी से बता देता हूँ। ठीक है चलो देखो। द इक्वी पार्टीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वॉज प्रपोज इनिशियली इन 1843 में इसको प्रपोज किया गया था। मान के चलो उसके बाद फिर से दो साल बाद 1845 में जॉन जेम्स वेटरसन, ठीक है, इन्होंने इसको थोड़ा सा करेक्ट किया। 1859 में मैक्सवेल ने जो है ये बोला कि काइनेटिक हीट एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, मुझे पता है इसमें से कुछ भी तुम लोगों को समझ नहीं आया, ऊपर दो लाइन छोड़ के मैं समझाता हूँ। मैक्सवेल साहब ने यह बताया कि जो काइनेटिक हीट एनर्जी होती है गैस की, सुनना बेटा, गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो मोशन करेंगे, तो जो काइनेटिक हीट एनर्जी होती है गैस की वो इक्वली डिवाइडेड होती है लीनियर एंड रोटेशनल एनर्जी में। अब इसका मतलब समझाता हूँ। लीनियर एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको बताया था तीन तरह के मोशन होते हैं, लीनियर, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। ठीक है, अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम लीनियर और रोटेशनल के बीच में डिवाइड करते हैं, मैंने वो करके भी दिखाया था, याद है क्या आपको? और वाइब्रेशनल, हाँ मैक्सवेल करंट वाले भाई साहब, हाँ बेटा वही थे। ठीक है, बहुत दमदार बंदा था जिसने एक्चुअली में, चलो ठीक है आगे चलते हैं। मैक्सवेल ने इतना बोला हमको। अब 1876 में बोल्ट्जमैन बहुत मतलब नोन आदमी था, उसके नाम पे कांस्टेंट भी है, राइट? ठीक है सुनो, ठीक अब आगे चलते हैं, इसके बारे में कभी पढ़ना अगर टाइम मिले तो, बहुत ही इंस्पायरिंग आदमी है। ठीक है, एक्सपेंडेड द प्रिंसिपल बाय शोइंग दैट एवरेज एनर्जी, सुनो, एवरेज एनर्जी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन इन सिस्टम। ये क्या बोल रहे हैं पता है बेटा? दिस इज नथिंग बट वी आर एम एस, दिख रहा है, एवरेज एनर्जी को आपने डिवाइड कर दिया इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट के बीच में, दिस इज योर वी आर एम एस। अब बोल्ट्जमैन ने अप्लाई किया इक्वी पार्टीशन थ्योरम टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। द डेलोंग पेटिट लॉ फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। अब तुम ये नाम के रिसर्च मत करने लगना, तैयारी करना एग्जाम की, ये कुछ अलग है। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है। इस लॉ के हिसाब से किसी भी सिस्टम में थ्री इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम में, फॉर एनी सिस्टम जिसको थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना है, टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ईच डिग्री इज एसोसिएटेड विद हाफ केटी। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बताया था लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी में, किसी को याद है? हल्का फल्का सर, जो मतलब बॉडी होती है थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहेगी तो उसकी एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी पार्टिकल्स में। ये तो बेटा आपने इसकी हिंदी बता दी, मैंने क्या बताया था वो पूछ रहा हूँ। नहीं सर, आपने ही बताया था ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और प्रेशर के कंपैरिजन में उसको जब एनर्जी निकालेंगे तो हाफ केटी आएगा। वो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं खुद से समझा देता हूँ। एनर्जी को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा बहुत सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, तो वो हाफ केटी के बराबर आ रहा होगा। और किसी भी गिवन टेम्परेचर पे ऑल आइडियल मॉलिक्यूल, नो मैटर उनकी डिग्री कैसी हो, चाहे आपकी मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, कुछ भी हो, वो अभी मैटर नहीं करता। ये बस ये बोल रहे किसी भी गिवन टेम्परेचर पे सारे आइडियल गैस, ठीक है, उनका मास कैसा भी हो, सेम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहे होंगे। यही बात बताई थी बेटा मैंने उस टाइम पे, डायग्राम बना के दो तीन। ठीक है, व्हेन मेजर द टेम्परेचर ऑफ गैस वी आर ऑल्सो मेजरिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जब आप उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजर कर रहे हो। एट सेम टेम्परेचर गैसेस विद डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, एग्जाम्पल हीलियम, हाइड्रोजन, विल हैव डिफरेंट एवरेज एनर्जी। फिर से सुनना, इनकी एवरेज एनर्जी डिफरेंट होगी बट इनकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो रही है बेटा, हाफ के टी के बराबर नहीं दिख रही है, सोच के देखो, दिख रहा है हाफ के टी जैसा कुछ, हाफ के टी इंटू एफ, वेयर दिस एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने बताया भी था। yes, sir. हम ज्यादा जो भी समझ में आया कोई बात नहीं, अब लेकिन आप सवाल की तरफ बढ़ो। अच्छा, पहला सवाल मैंने कहीं पे कराया है क्या? किसी बच्चे ने इससे रिलेटेड एक डाउट भी मेरे को सेंड किया था कि सर P इज इक्वल टू 3E/2 नहीं होगा,
सर सी होगा इसका पी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 ई नहीं 2 ई अपॉन 3 होगा बेटा किसी ने मेरे से पूछा सर ए ऑप्शन होगा क्या ये चीज मैंने बता रखी आपको क्लास में यस सर किसने सुना भी होगा तो समझ आ जाएगा अब सुनो अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि एट 0 केल्विन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस विल बी 0 काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल हो सकती है क्या सर हो वाइब्रेशनल क्यों नहीं हो रहा है सर वाइब्रेशनल रूम टेम्परेचर पे कंसीडर नहीं होता ना जीरो केल्विन तो है चल ठीक है कोई बात नहीं काइनेटिक याद रखो हाँ अगला क्वेश्चन जो बता देगा मुझे धन्य धन्य हो जाएगा मेरा मन अगर कोई अगला क्वेश्चन बता दे तो द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m एट ए गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू रूट m होगा इसका आंसर रूट m ही होगा सर V R M S कितने अच्छा एक पार्टिकल का लूंगा या पूरे का लूंगा सर एक पूरे का ले लोगे ना क्योंकि एक पार्टिकल की तो देनी रखी अलग अलग तब बस तो यहाँ से मुझे M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल अब M ऊपर आएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी सर माइनस कौन सा आंसर सही है डी अब सुनो चींटी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे पीछे और कहाँ चल सकती है ऊपर नीचे भी चलती है कि चींटी या सिर्फ आगे और पीछे चलती है जनरली आगे और पीछे चलती है टू नंबर ऑफ डिग्री हाँ अब अगला क्वेश्चन तुम लोग बताओ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज वैसे मैंने इसका लॉजिक भी दे रखा है थ्री रोटेशनल सॉरी थ्री ट्रांसलेशनल थ्री लीनियर टू रोटेशनल बट अगर एक बच्ची ने शायद साक्षी ने ही पूछा था मेरे से कि सर वो फॉर्मूला भी आप बता दो याद है क्या शायद आप ही ने बोला था बेटा बहुत पहले थ्री एन माइनस वन शायद मैंने उस दिन बता दिया था नहीं बताया था कि उस दिन शायद नहीं बताया था हाँ नहीं बताया था मैंने तो यही है बेटा वो फॉर्मूला जो आप पूछ रहे थे ठीक इसमें एन बेटा आप डायटोमिक मोनोएटॉमिक पॉलीएटॉमिक जो ले रहे हो अगर मान लो आप डायटोमिक लेते हो तो आंसर कितना आ जाएगा डी इज इक्वल टू सर टू होगा ये फाइव ठीक है तो डायटोमिक के लिए मैंने क्या बताया थ्री लीनियर और टू रोटेशनल होता है थ्री डी में सोच के देखो yes, तो बिना मैथ्स के मैंने वही बात समझाने की कोशिश की थी ठीक है चलो अब सब डाउट बहुत सारे डाउट पॉलीएटॉमिक में क्या होगा नाइन पॉलीट्रॉपिक में माइनस पॉलीएटॉमिक का बता दो एक बार